बलौदा बाजार जिला के अहिल्दा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री का विवाह योजना कार्यक्रम बलौदा बाजार के ग्राम पंचायत अहिल्दा में किया गया, जिसमें क्षेत्र आसपास गांव से 18 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक शकुंतला साहू, विशिष्ट अतिथि बलौदा बाजार जिला पंचायत सदस्य पद्मेश्वरी साहू, देव कुमारी साहू, महामंत्री अनुराग पांडेय, प्रताप डहरिया थे। कार्यक्रम अध्यक्षता सरपंच कृष्णा देवी साहू ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक शकुंतला साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आज 18 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस योजना के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में कई ऐसे गरीब परिवार है जिनकी आर्थिक हालात अच्छे न होने के कारण उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए बड़ी मुश्किल होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता विवाह के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। मैं समस्त नवविवाहित जोड़ों को हार्दिक बधाई एवं आशीर्वाद प्रदान करते हुए वहीं कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन महिला एवं बाल विकास अधिकारी आदित्य शर्मा ने की। इस मौके पर विवाह जोड़ा के परिवारों का अलावा ग्रामीण उपस्थित थे। और इसके बाद अनिता राजेश ये दो जोड़े ऊपर आ जाए और हमारे सम्मानी विधायक कांटो से चालू होते। आज मैं 18 नौ जोड़ा दंपत्ति ला बधाई देवा था जो आज मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत आप मन ए शादी कार्यक्रम में भाग ले हा। नहीं तो आप मन हा देखत हो कि कोई आज तक शादी करना मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत एकर सती विवाह करना पसंद नहीं कर रहे कि जब बड़े आदमी मन गांव मन में शादी करते तो आदमी मन देखत रही थे कि मोरो नोर लेकर के शादी ला बहुत अच्छा तरीका से कर हा, पर ये नहीं देख पावा कि जब शादी होते तो में कितना खर्च आते। हमन देखथन जब सगाई करथन ओमें भी शादी से ज़्यादा सगाई में खर्च आते, और जब शादी करथन 3 दिन के शादी रिथे ओमें हमन सब मेहमान न बुलाथन, और जब बारात लेखथन तो काट देते हैं। मैम सामूहिक विवाह में आज आए थे, कैसा लगा आपको? प्यारा बंधन है जो दो आत्माओं का यहाँ पर हो रहा है। आज आइए अब हस्तपीठकरण का कार्यक्रम होगा। कन्या के माता और पिता ध्यान देंगे, कन्या के माता और पिता अपने अपने कन्या के हाथ में हल्दी लगाएंगे। हल्दी रखी गई होगी पुड़िया में, उसको गीला करके कन्या के दोनों हाथ में लगाएंगे। ध्यान देंगे, जो कन्या है अपने दोनों हाथ को इस तरह से फैला करके रखेंगे। वो 1 अप्रैल से वो मिलना चालू हो जाएगा, इसलिए मैं आज से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज कुल 18 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, और इसमें माननीय विधायक महोदय शकुंतला साहू जी मुख्य अतिथि के रूप में उनके द्वारा जो नौ दंपत्ति है उनका आशीर्वाद प्रदान किया गया है। सर अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने राशि बढ़ाया है तो इसको लेकर आगे की व्यवस्था कैसे रहेगी? अभी तक वर्तमान में जो राशि का प्रावधान है कन्या विवाह योजना के तहत उसमें प्रति जोड़ा 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, और ये करीब करीब 5 साल से लगभग यही प्रावधान है 15,000 रुपये का। इसमें ये है कि पिछले 5 साल में ये देखा गया कि क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है तो थोड़ा विवाह आयोजन में दिक्कतें आने लगी थी। इसमें सरकार के द्वारा अभी 2019 को बजट जो प्रस्तुत किया गया है विधानसभा में जो पास किया गया है उसमें राशि को बढ़ाया गया है, जिसे 15,000 से बढ़ा करके 25,000 किया गया है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि 25,000 रुपये में काफ़ी अच्छे से विवाह का आयोजन हो सकेगा। जो विधायक दंपत्ति है उन्हें जो गिफ्ट प्रदान किया जाता है अभी एक गरीब जे मन हा कन्या विवाह के अंतर्गत पैसा राशि 15,000 देवत्री से ओला 25,000 बढ़ा देंगे है। आप मन ला एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमन
देखथन हमर लोग लेकर के हमन जब शादी करथन घर में तो हमर मन के खर्चा अतका ज्यादा बढ़ जरी थे कि गरीब किसान मन हा अपन लोग लेकर के जब शादी के उम्र होते तो मन ला सोचे ला पड़ जाते कि हमर लोग लेकर के विवाह ला हमन कौन ढंग से करबो। आजकल आप मन देखा था कि शादी अतका ज्यादा खर्च बढ़ गए है शादी के कि गरीब मन ला शादी करे बर भी सोचे ला पड़ जाते। आज 1 लाख से 1.5 लाख में शादी संपन्न होते पर जब हमन हा मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत हमन शादी करथन तो हमन ला सरकार के योजना के तहत हमन फ्री में ए शादी के कार्यक्रम ला करवाते। आज आप मन देखत हो कि शादी जब होते तो 1 साल जब होते ओकर बाद कहीं पर भी आप मन देखता कि दहेज प्रताड़ना चालू हो जाते और दहेज प्रताड़ना के कारण कई लड़की ला ऐसे प्रताड़ना सहेल पड़ जाते कि ओमन आत्महत्या करे पर भी मजबूर पड़ जाते। मेहा ए 18-9 दंपत्ति जोड़ा ला आज आशीर्वाद देवत हो आप मन के जीवन हमेशा खुशहाल रहे। एक चीज और बोलना चाहता जब घर में बर्तन रिथे तो जरूर बसते उही प्रकार से मैं 18-9 जोड़ा दंपत्ति ला कहना चाहता जब शादी होके जाथन 1 साल तो अच्छा से चलते ओकर बाद हमन 1 साल के बाद देखथन कि निकाय उठा कर देखो कि मेरे बड़े भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब कोई 40-45-50 साल के नहीं है, 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। क्या तुम इनके मरने के बाद इनको याद करोगे? क्या तुम इनके दुनिया से चले जाने के बाद इनकी अर्थी को उठाकर याद करोगे? अरे जब तुम्हारे पास तुम्हारा लीडर जिंदा है, अगर तुम जिंदा होम हो, अगर तुम्हारे दिलों में दिल धड़कता है, तुम्हारे सीनों में तुम्हारी सांस जो अम्बेडकर ने तुमको दिया, करो जिंदा है तो इनको उठा लो, इनको कामयाब कर लो। माझे युवा मित्रांनो एवढं सांगेल, शेवटची संधी आहे सध्या आपल्याकडे, शेवटची तर ही संधी आपण गमावतात आपल्या स्वार्थापोटी, आपल्या इगोपोटी, किंवा हा मोठा होतोय, तो छोटा होतोय, मला मान सन्मान नाही, ह्याला मान सन्मान दिला, मला हे नाही, मला ते नाही, हिवे देव तर आपण करत बसलो, तर येणारा काळ खूप भयंकर आहे।